देश में पहली बार भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट विदेश में हवाई युद्धाभ्यास के लिए भारतीय दल का हिस्सा होंगी। ये उपलब्धि स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने हासिल की है। ये पहली दफा होगा जब कोई महिला फाइटर विदेशी जमीन पर देश का प्रतिनिधित्व करेगी। इससे पहले महिला अधिकारी फ्रांसीसी वायु सेना सहित भारत आने वाली विदेशी टुकड़ियों के साथ युद्धाभ्यास में भाग लेती रही हैं, जिसमें दो महिला लड़ाकू पायलटों ने भाग लिया था। देश की पहली तीन महिला फाइटर पायलट में से एक स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी शीघ्र ही जापान के लिए रवाना होंगी। स्क्वाड्रन लीडर चतुर्वेदी एक SU-30 MKI पायलट है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय ने SU-30 MKI के लिए मिसाइलों के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी है, जो उन्हें 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से दुश्मन के राडार पर हमला करने में सक्षम बनाएगी। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने अपने SU-30 को इतनी लंबी दूरी की मारक क्षमता से लैस किया है और नवीनतम हथियारों के साथ इसका आधुनिकीकरण भी करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ATF हिंदी न्यूज़।